15 जनवरी 2021 तब मैं एक वीडियो डाला था जिस वीडियो पे बताया था पेटीएम की तरफ से क्रेडिट लिमिट को फ्रीज किया जा रहा है, जहाँ पे ये बताया था कि अगर आप भी एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूजर यानी ग्राहक है तो आपका भी हो सकते है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का क्रेडिट लिमिट फ्रीज। उस वीडियो पे मैं ये भी कहा था कि क्यों पेटीएम पेमेंट बैंक का क्रेडिट लिमिट फ्रीज किया जा रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से, लेकिन उस वीडियो पे उनका सलूशन भी दिया था कैसे आप उनका क्रेडिट लिमिट को फिर से अनफ्रीज कर सकते हो। उस वीडियो पे बहुत सारा व्यूज आ चुके हैं और उस वीडियो को ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे लिया गया है यूट्यूब की तरफ से, और उस वीडियो के बाद इस वीडियो के अंदर वही चीज बताऊंगा यानी आपसे यानी 2023 साल पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक तरफ से एक और नया इशू आ चुका है, जहां पे अगर आप भी एक पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर यानी ग्राहक है तो आपके साथ भी हो सकते है ये प्रॉब्लम ये इशू। अगर आपको ये प्रॉब्लम पे नहीं पड़ना है तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, किसी भी जगह पे स्किप ना कर, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पे स्किप करते हो तो हो सकते हैं ऐसा भी बहुत सारा पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे जो आखिर में आपको जानना चाहिए, जो आखिर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सर्वेंस 2023 साल पे अगर जब समय है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, तो अभी के टाइम बहुत ज्यादा यूजर का पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। अगर आप भी एक पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर यानी ग्राहक है तो आपका भी हो सकते है पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ब्लॉक। अगर आपका ब्लॉक हुआ है तो कैसे वो आप अनब्लॉक कर सकते हो, क्यों आपका ब्लॉक हुआ है, वो सब कुछ जितना हो सके मैं उतना एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। तो आप बात करते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। एक बात आप ध्यान रखना, किसी भी अकाउंट के अंदर एज पर बैंक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जहां पे जब भी आप किसी भी बैंक को ओपन करने के लिए जाते हो तब आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं, चाहे वो आप फिजिकल के बैंक ओपन करो या फिर चाहे आप कोई भी ऑनलाइन बैंक को ओपन करो। लेकिन जब भी आप कोई भी बैंक के अंदर अकाउंट खोलने के लिए जाते हो तब उनका कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आप फॉलो नहीं करते हो यानी आप नहीं पढ़ते हो। हालांकि ये बात अलग है कि विदाउट फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस आप किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, फिर अकाउंट नहीं खोल सकते। लेकिन जब भी आपके पास एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाएगा, कुछ इस तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने ओपन हो जाएगा, तब क्या आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ोगे? कोई भी नहीं पढ़ेगा, बल्कि मैं भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ता। इसीलिए आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक एक ऑनलाइन बैंक है और पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को खोलने के लिए आपको आपका नजदीकी कोई भी बीसी यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट के पास जाना होता है। इसीलिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से, वो आप खुद नहीं पढ़ते हो, उसी पर सिर्फ स्क्रॉल कर आप एक्सेप्ट कर देते हो। और इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो आपको पता नहीं होते हैं, और इसीलिए आप कुछ ऐसा काम कर देते हो जिनके कारण आपका अकाउंट ब्लॉक किया थे पेटीएम की तरफ से। उनके डिजिट की तरफ से अगर बताया जाएगा तो जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर यानी ग्राहक है तो उनकी तरफ से कुछ ट्रांजेक्शन होते है जो होते हैं अनऑथोराइज, यानी ऐसा कोई भी अमाउंट अगर आपके पास आता है जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, यानी वो कहाँ आया, कहाँ से आया, इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इस केस पे भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकते है। अगर कोई भी ऐसे जगह से पेमेंट आते है जो इलीगल है तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकते है, या फिर ऐसा भी हो सकते आप भी एक पेटीएम बैंक यूजर यानी ग्राहक है और आपका अकाउंट बहुत दिन से यूज नहीं किया, लेकिन आप तुरंत यानी 6 महीने या फिर 1 साल बाद तुरंत कुछ समथिंग रुपीस आपका अकाउंट पे आया, लगभग 1 लाख 2 लाख 2 लाख समथिंग कुछ हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा कोई भी टेंशन आते तो वो भी अनऑथोराइज टेंशन की तरह ही वो दिया जाते। मान लीजिए आपका अकाउंट पे आप टेंशन करते हो, लेकिन छोटा मोटा अमाउंट 5,000 10,000 20,000 समथिंग कुछ अमाउंट आप टेंशन करते हो, लेकिन अगर कुछ दिन बाद आपका अकाउंट पे 50,000 या फिर 60,000 समथिंग कुछ अमाउंट आता है एक साथ,
तो भी आपका अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा पेटीएम की तरफ से, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि आप आपका अकाउंट के साथ उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर, तो इसीलिए आपका अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा एज अ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन। लेकिन ये जो ब्लॉक होगा आपका, ये ब्लॉक भी आप ओपन कर सकते हो। ये ब्लॉक ओपन करने के लिए आपको पेटीएम का 24/7 हेल्पलाइन पे जाकर आपको मैसेज करना होगा और कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा जो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। जहाँ पे हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स देकर आपने अकाउंट ओपन किया है उस डॉक्यूमेंट्स को जगह पे अपलोड करना होगा, एक सेल्फी अपलोड करना होगा, यानी जिनके नाम पे पेटीएम अकाउंट है उनका एक सेल्फी होगा और आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब कुछ देकर आप आपका अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अगर 24/7 पे जाकर भी आपका अकाउंट का कुछ प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप पेटीएम का नोडल ऑफिसर का ईमेल एड्रेस पे भी आप मेल कर सकते हो, नोडल ऑफिसर @paytmpaymentsbank.com। जो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर इस वीडियो पे साइट पे शो हो रहा होगा, इस मेल पे आपको मेल करना होगा जो भी ईमेल एड्रेस आपका बैंक के साथ लिंक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप मेल करोगे आपका जो भी बैंक है यानी आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एक मंथ का स्टेटमेंट भी देना होगा, यानी कौन सा ट्रांजेक्शन करने के लिए आपका अकाउंट को ब्लॉक किया गया है उस स्टेटस को देखने के लिए ही आपको आपका बैंक का एक मंथ का स्टेटमेंट देना होगा। अगर आप आपका स्टेटमेंट नहीं दे पाते तो आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं होगा। इस वीडियो का मेन मकसद था पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है पेटीएम की तरफ से, आखिर में क्यों ब्लॉक किया जा रहा है वो ऑलरेडी मैं बता दिया, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, यानी कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन जो अनऑथराइज है और उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए ही आपका अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है, जो भी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन जो रीजन था, ये रीजन फिजिकल बैंक पे भी ये अप्लाई होते हैं, यानी कोई भी फिजिकल बैंक के अंदर सेम हालात अगर क्रिएट होते हैं तो भी आपका अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकते हैं एज पर बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन सारे बैंक के अंदर सेम रूल्स लागू नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ सेम रूल्स सभी बैंक के अंदर लागू नहीं होता। 250 से 300 बैंक से भी ज्यादा है इंडिया के अंदर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 250 से 300 जितना भी बैंक है सारे बैंक के अंदर सेम रीजन लागू होगा कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। हो सकते है दूसरे कोई भी कारण के दौरान आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकते है। अगर आपका एक पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट यानी अगर आप एक पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर यानी ग्राहक है तो आपके लिए एक बैड न्यूज हो सकते है, लेकिन इस बैड न्यूज को भी आप गुड न्यूज पे बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो मैं ऑलरेडी बता दिया, और इस प्रोसेस को सबसे पहले आप ठीक तरह से करिए, नहीं तो आपका अकाउंट को अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना मैं हेल्प करने के लिए कोशिश किया जितना हो सके आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। अगर कोई भी और प्रॉब्लम होते है, अगर कोई भी और डाउट होते है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करना मत भूलिए। अगर कोई भी और प्रॉब्लम आप पढ़ते हो, प्रॉब्लम पे आप क्रिएट होते है आपके साथ, तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उस मेल पे भी आप मेल कर सकते हो विद प्रूफ। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को यही तक रखते हैं, आशा करते हैं जरूरी मत जरूरी स्पेन की आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल है प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले, ताकि तभी मैं ऐसा कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊ सकूं तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वीडियो।